It's huge. ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसका, जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस काफी बड़ा है। तो ये गाइस, जोर से बोलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आ चुका यहाँ पे अशोक चक्कर के पास। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब हिस्ट्री, अब मैं बोल रहा था कि इसकी एंशंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, तो वो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, राम राम, गुड मॉर्निंग, आदाब, अभिनंदन। तो आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए व्लॉग के लिए, और जो ये व्लॉग होगा इस बार ऐसा व्लॉग है कि जिस जिले में पड़ता है या जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस राज्य के लोग इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं जानते कि ये उस राज्य में पड़ती है, उस राज्य में डिस्ट्रिक्ट भी है कोई, और जिस विलेज में जगह है, जिस गाँव में जगह है, उस जिले के लोग नहीं जानते हैं कि ये गाँव में है, ये वहाँ पर है ये जगह। बट इसके बहुत ही हिस्टोरिकल एक इम्पॉर्टेंस है, जो कि लाइक एंशंट हिस्ट्री तक इसकी इम्पोर्टेंस जाती है। वहाँ हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे, और इस टाइम ये कहीं बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं आज, मैं दिखाता हूँ आपको। गाड़ी अपनी रेडी है, चलने वाले हम अभी, गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये है मेरे फादर साहब है गाइस। हेलो गाइस, जो मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, ये नेशनल हाईवे 344 है, इससे ही क्रॉसिंग होती है। इस साइड से हम आए हैं, जो रोड पीछे है, और ये पूरा अपना हाईवे का नेशनल हाईवे है यहाँ पर ये, और जो ये इधर मेरे पीछे रोड जा रहा है, इधर से ये जाता है पंचकूला की तरफ, और इस साइड जो है दूसरी तरफ जा रहा है, इधर ये यूपी जा रहा है। कुछ कोई नहीं जानता इसको, इस प्लेस के बारे में इवन इस जिले के लोग भी नहीं जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ उनके जिले में भी है। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, और इस डेस्टिनेशन के पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। व्यू देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और क्या ये मायने रखता है एंशंट हिस्ट्री को लेके। हम आउटर एरिया पे हैं अभी, आउटर एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट का, गांव है यहाँ पे सभी, तो इसलिए
यहाँ पर फॉग काफ़ी है क्योंकि फील्ड्स हैं आसपास, और इधर आप देख सकते हैं कि अभी सनराइज़ होने वाला है, सुबह सुबह का टाइम है, तो इसीलिए मैं जल्दी आया था ताकि हम सनराइज़ भी देख सकें। तो हम बढ़ रहे हैं उसकी तरफ जो हमारा मेन मोटिव है यहाँ आने का। इट्स वेरी गुड प्लेस। और मैं एक मिलवाना भूल गया था कि मेरे साथ कौन आया है, वो है ये शख्स भी मेरे साथ आए हैं, ये छोटू महाराज, ये भी आए हैं हमारे साथ घूमने सुबह सुबह। इन्हें पार्क में जाना था और इन्हें अपने काम की चीज़ मिल चुकी है, ये देखो जो इन्हें चाहिए था वो इन्हें मिल चुका है, स्विंग्स एक्सरसाइज, तो यही चाहिए था बस इनको, इसीलिए इन्हें पार्क में आना होता है कि हाँ उन्हें स्विंग्स मिल जाए और वो कुछ कर सकें। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है जो हम दिखाएंगे बाद में। अब आप देख रहे होंगे कि ये गोल्डन सा ये क्या चीज़ है, क्योंकि साइड इसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो इसमें आपको पता नहीं लग रहा होगा कि एग्जैक्ट है क्या, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देखा है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको पता ही होगा। और अब जिस ज़िले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे यमुनानगर की, अगर यहाँ का जो ओरिजिनल स्लैंग है, ओरिजिनल स्लैंग की भी एक अलग ही बात है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये भी हरियाणवी है जो यहाँ पे लोग बोलते हैं, क्योंकि हरियाणवी जो होती है वो 6 टाइप्स की हैं, 6, और उसमें से जो इधर बोली जाती है लाइक इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र और उसके आसपास, तो वो सब है उनको कोरवी स्लैंग है, वो हरियाणवी का कोरवी स्लैंग पर लोग जानते नहीं हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये काफ़ी ह्यूज है, इट्स वेरी ह्यूज। और अब आप शायद इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये है क्या, अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये क्या है। ओके, इट्स अशोका चक्र, ये है अशोका चक्र जो कि रिसेंटली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था अप्रॉक्सिमेट 2019 में इसको यहाँ पे जब इंस्टॉल करने के बाद। और इसका मेजर फैक्ट क्या है कि 2020 में इसको इंडिया का लार्जेस्ट अशोका चक्र का किताब मिला है, और ये अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज है, इसीलिए ये इंडिया का लार्जेस्ट अशोका चक्र है। और बाकी की बात हम इसके बारे में करते हैं, बताता हूँ आपको फिगर एंड फैक्ट्स, पहले हम यहाँ थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, देखते हैं जगह को, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पे, देखते हैं। तो यहाँ है एक बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू जिसका आप भी मज़ा ले सकते हैं, सीनिक व्यू तो है ही है अच्छा, और मैं इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सनराइज़ होने वाला है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं सनराइज़, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा सन, उसके नीचे बॉटम वाले जो सेक्शंस दो स्पॉक्स के बीच में। और अगर मैं अपने यहाँ यमुनानगर वाली भाषा में बात करूँ, वो देखो जी आपको देख सूरज निकल गया जी, ठीक है, सूरज सबने दिख रहा होगा, और वो अशोका चक्र के बीच से यो इस टाइम जी संतरी सा सूरज। तो जो ये यहाँ का स्लैंग है इस तरह का है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, कईयों को अच्छा भी लगता है वो, मतलब एज आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु बिलोंग्स टू सिटी एरिया जो यहाँ से नहीं ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, तो उनको ये स्लैंग बड़ा अच्छा लगता है, बोलते हैं कि उन्हें भी ये स्लैंग सीखना है, इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव स्लैंग फॉर देम। ओके, मैं इसके बिल्कुल पास आ चुका हूँ, चढ़ चुके हैं हम ऊपर, सो हियर इज द सनराइज, देखिए सुबह सुबह का टाइम, द मेन मोटिव यही था कि सुबह आने का, कि सनराइज भी साथ में देख चुके हैं, क्योंकि फिर यहाँ दिन में अब गर्मी होने लगी है काफ़ी। ये देखो जो मैं बता रहा था, छोटू महाराज मेरे साथ आया है, वो अपनी मम्मी के साथ आया है यहाँ पे, ये रहे हैं हमारे छोटू महाराज, इनका नाम है युवम शर्मा, इनका नाम है युवी शर्मा। हेलो करो सर, हेलो गाइज, बोलो हेलो गाइज, जोर से बोलो हेलो गाइज, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आ चुका यहाँ पे अशोका चक्कर के पास, उलझ गया। आप देख सकते हैं सनराइज हो रहा है अच्छा, और ये पानी में उसकी इमेज क्रिएट हो रही है, बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू है, रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं पानी में छोटे छोटे से, ये सीनिक व्यू यहाँ पर। और ये छोटू महाराज युवम शर्मा अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे दौड़ लगा रहा है,
बोल रहा नाना जी मेरे साथ रेस लगाओ, बहुत अच्छा व्यू है। क्या अच्छा व्यू है। अब यहाँ पर हम वाइडर व्यू ले पा रहे हैं, पीछे फादर साहब आ रहे हैं और ये हमारे पीछे ये छोटू महाराज है, ये पीछे सनराइज हो रहा है। छोटू महाराज कहाँ है? यूवी हेलो, यूवी हेलो करो। इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी यहाँ पे इको क्रिएट हो रही है, इसकी आवाज गूंज रही है, तो इस फीलिंग लाइक कि हाँ बस जितना जोर के बोला जा सके बोल रहे हैं। तो अब हम इसकी यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर सकते हैं। यहाँ पे पॉन्ड, पहले पॉन्ड भी देख लेते हैं। वो अपना लगा हुआ है, क्या बात है, कुछ भी बोल रहा है, जिससे इसको फील हो रहा है कि हाँ बस इको क्रिएट होना चाहिए वॉइस का। ये सनराइज की अलग ही बात है और साथ में पॉन्ड हो और सुबह सुबह सनराइज, इट्स लाइक अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। तभी तो मैं रील बना रहा हूं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब हिस्ट्री, अब मैं बोल रहा था कि इसकी एंशंट हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, तो वो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक जो विलेज है इसका नाम है टोपरा, और जहाँ पे ये सिचुएटेड है वो टोपरा कला बोलते हैं वैसे, बट इसके दो पार्ट्स हैं, छोटे वाला पार्ट है टोपरा खुर्द और इसका नाम है टोपरा कला। तो कलेक्टिवली ये विलेज टोपरा है और ये एंशंट टाइम की विलेज है। ये मौर्य साम्राज्य में विलेज थी जब अशोका का यहाँ पे राइन था, रजीम जो थी राज, मतलब राज था यहाँ पे, तो मौर्य साम्राज्य के अंडर आती थी ये विलेज। और उस विलेज उस टाइम पे यहाँ पे क्या था, उन्होंने अशोका जी ने यहाँ पे एक अशोका पिल्लर, मतलब 2300 साल पुराना करीब, जिसे 300 BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, या फिर बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, मतलब 2300 साल पुराना, 2300 साल पहले यहाँ पर उन्होंने अशोका पिल्लर, इस विलेज में अशोका पिल्लर यहाँ पे इरेक्ट किया था, खड़ा किया गया था। अब अशोका पिल्लर आपने सुना होगा नाम, पर उस अशोका पिल्लर पे एडिक्ट्स होते थे, लिखे होते थे कि हाँ एक क्या सही वे होता है एक राज्य को चलाने का, और लोगों का क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उसमें रिलीजियस वो हो सकते हैं चीज़ें, उसको फॉलो करके हम एक अच्छा राज्य बना सकते हैं। और बट यहाँ पे क्यों नहीं है वो पिलर अभी, क्योंकि 1357 में जब यहाँ वो पिलर मिला था जब यहाँ से, तो उस टाइम यहाँ रैन था तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में वो उनकी गद्दी थी, सल्तनत थी उनकी, तो उन्होंने वो यहाँ से शिफ्ट करा दिया था दिल्ली में, जो कि अभी भी इरेक्टेड है फिरोजशाह कोटला, जो फिरोजशाह कोटला जगह है दिल्ली में, वहाँ पे फोर्ट है, वो अभी भी वहाँ पे है वो पिलर, और इट इज़ द ओनली पिलर, वो ही एक ऐसा पिलर है अशोका पिलर जिसपे सेवन, मतलब सेवन एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, और किसी पिलर पे सेवन एडिक्ट्स नहीं है। एडिक्ट्स मतलब कोई रूल्स या रेगुलेशन या कुछ ऐसी चीज़ जो कोई एक पर्सन या कोई एक गवर्नमेंट निकालती है, तो वही एक पिलर ऐसा जिसपे सेवन एडिक्ट्स हैं, बाकी बाद में भी उस पर एडिक्ट्स एड ऑन हुए हैं। और उसमें क्या है, उसमें मेन उसकी जो प्राकृति भाषा में वो लिखा गया था। और ताजुब की बात ये है कि जब यहाँ से वो शिफ्ट किया गया या जब वहाँ इरेक्ट भी किया गया दिल्ली में, तो किसी को नहीं पता था इस पर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अप्रोक्स उसके 500 साल बाद 1836 में उसका मतलब सक्सेसफुल ट्रांसलेशन हो पाया था कि लिखा क्या गया हुआ है, जो कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1836 में उसका ट्रांसलेशन किया गया था। तो ये इसकी एंशंट हिस्ट्री है। ये मौर्य साम्राज्य में आती थी ये जगह, हरियाणा का ये एरिया मौर्य साम्राज्य में, और यहाँ तक भी अशोका का राज था, मौर्य साम्राज्य था, और यहाँ पर अशोका पिलर भी था। और ये बुद्धिस्ट के जो शो करने के लिए यहाँ पे अशोका चक्कर लगाया गया है, मतलब जो ये अशोका चक्कर, इसकी मैं थोड़े मेजरमेंट बता देता हूँ, इसका 30 feet डायामीटर है, और 30 feet डायामीटर है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, मतलब पेरीमीटर क्या होगा, आप इसका फॉर्मल लगा के कमेंट करना। 30 feet इसका डायामीटर है, 30 feet इसका डायामीटर है, और इसको करीब 240 दिन लगे थे बनाने में, 240 दिन लगे थे इसको बनाने में, और ये बनाया गया है स्टील से, लाइट स्टील से बनाया गया है। और रीज़न एक तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री का आपको बता ही दिया, ये एक ग्रुप है बुद्धिस्ट फॉर्म, NGO है एक, उसने ये बनाया है, इसको कंस्ट्रक्ट और इंस्टॉल करने में 240 दिन लगे थे। अब वो बुद्धिस्ट जो एरा था एक टाइम का मौर्य साम्राज्य को, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। उनके साथ में एक पर्सन और हैं जो एक डेंटिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से,
उन्होंने साथ मिलकर ये काम शुरू किया था। तो ये कुछ रीजंस हैं। और इसमें जो अशोका चक्कर में स्पोक्स होती हैं 24 स्पोक्स होती हैं, 24 स्पोक्स का कई सारे रीजन से कोई कहते हैं 24 रिलीजियस पाथ होते हैं जिसको फॉलो करके कोई एक अच्छी लाइफ जी सकता है। कहीं इसकी ये भी डिस्क्रिप्शन है कि जो 24 स्पोक्स हैं वो 24 आवर्स को डिस्क्राइब करती हैं कि हमें 24 घंटे काम करते रहना चाहिए अपने नेशन के अच्छे के लिए, अपने नेशन के आगे बढ़ाने के लिए उसके अग्रसर रहना चाहिए 24 घंटे। तो इसकी कई सारी डिस्क्रिप्शंस हैं, आप भी कमेंट बुक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है कि कुछ अशोक चक्र के बारे में। तो यही इसका इम्पोर्टेंस था मेन। और सनराइज़ हो ही रहा है पीछे, और मैं यहाँ आसपास भी व्यू दिखा देता हूँ। ये आसपास ग्रीनरी है यहाँ पे पूरी, क्योंकि आउटर एरिया पे है, विलेज का एंड है। सो दैट्स एनफ। ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसका, जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस काफ़ी बड़ा है। तो ये रिज्ड है, ये रिज्ड है, और जो इसकी स्पोक्स हैं ये अंदर से खाली हैं, और ये लाइट स्टील से बनाया गया है। इस पर गोल्डन पेंट करा है, जैसे कि बुद्धिस्ट जो मोस्ट बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं उन पर गोल्डन कलर ही होता है। तो काफ़ी ह्यूज है, ये मेरा हाथ पूरा ऊपर मेरी हाइट करके, और उससे भी कितना ऊपर है। धर्म चक्र भी कहते हैं जैसे अशोका चक्र को, उसकी हिस्ट्री दी हुई है यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और काफ़ी कुछ यहाँ से मिट चुका है, प्रिंट हट चुका है, बट इंग्लिश में जो हिस्ट्री है वो दी हुई है, और इधर हिंदी में भी लिखी हुई है। मैं फ़ोटोज़ डाल दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ शीर्षासन कर रहा हूँ इंडिया के लार्जेस्ट अशोका चक्र के सामने बिल्कुल, और ये काइंड ऑफ ट्रिब्यूट भी है इसको, एक कह सकते हैं आप कि मैं सिर के बल खड़े होकर इसको नमन कर रहा हूँ। सूरज की धूप मेरे पे पड़ रही है, सुबह का टाइम है, सनराइज हो चुका है। सो इट्स वेरी गुड टू गो विद दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एवरीवन, टाटा। सो गाइज, अब ये व्लॉग का एंड है, अब यहाँ से हम वापस जाने लग रहे हैं अपने घर। और ये मेरे फादर साहब जी हैं, और ये पीछे ये छोटू महाराज जिसको मैं बोल रहा था, ये युवम और इसकी मम्मा साथ में। सो बाय टू एवरीवन, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कमेंट भी करना, जैसे मैंने बताया कि सरकमफेरेंस बताना है आपको इस चक्र का, इसका 30 फीट है जो डायमीटर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या इसका सरकमफेरेंस होगा। बाय, टाटा।